काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि शायद मेरे दिमाग को पता है कि आज कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं रात को सोच के सोई थी कि मुझे आज 12 आवर स्टडी चैलेंज करना है। बोल के डर लग रहा है बट नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज मुझे करना ही है। क्योंकि जब से मैं थर्ड ईयर में हुई ना, मैंने एज सच कुछ इतना पढ़ा नहीं है, तो इस बहाने मैं पढ़ भी लूंगी, मेरा डे प्रोडक्टिव रहेगा, दैट्स इट। तो चलो सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते ना, हमें नहीं लगता कि हमें कुछ करना भी है। वो लिस्ट हमें याद दिलाएगी कितनी सारी चीजें सोच के मैं उठा था और मैंने कितना किया। तो सबसे पहले वो करते हैं, उसमें मैं सारी चीजें लिखूंगी कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं पीएसएम पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि पीएसएम की जस्ट मेरी पोस्टिंग अभी हुई है और मैंने साथ साथ में इतना कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बाई चांस कुछ करने की सोची, जैसे पढ़ने की सोची, तो फिर सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसमें फिर सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए कि मैं हेल्दी खाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं ये करूं वो करूं, फिर सारी चीजें आ जाती है लाइन। हमारे मेस में ना मोस्टली पराठे बनते हैं, डेली पराठे, सिर्फ एक दिन पोहा मिलता है, मैं सिर्फ उसी एक दिन का वेट करती हूँ। तो आज हमारा वो लकी डे था। तो गाइज हमारा 1 आवर सेशन डन हो चुका है, तो चलो अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो एज यू गाइज नो कि मैं प्रेप लेटर से पढ़ती हूँ, तो इसमें हमें पीएसएम डॉक्टर नेहा तनेजा मैम पढ़ाती हैं। तो इनका टीचिंग स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को कवर करती हुई चलती हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें बताती है। और सच में मैम से पढ़ के मुझे ना पीएसएम अच्छी लगने लगी है, अदरवाइज पोस्टिंग के टाइम मुझे लगता था पता नहीं मैं कैसी पीएसएम कवर करूँगी, लेकिन अब मैम से पढ़ के मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। और दोनों की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से गिवन है, साथ में आप क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, साथ में आपको ट्रेजर्स भी मिलेगा। स्टार्ट करते हैं पढ़ना, सुष्मिता वहां बैठ के पढ़ रही है अपना, इसको इसमें डाल दे, फिर पढ़ दे उसको।
वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट डे था, जस्ट मैंने स्टार्ट किया और इतनी सिटिंग अभी नहीं है क्योंकि जब से फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है मस्ती मस्ती, कभी ट्रिप पे जाना, ये सारी चीजें चल रही है, पढ़ाई अभी तक सीरियसली की नहीं थी, तो ये फर्स्ट डे था ये समझ लो, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना ही होता है। तो फर्स्ट डे पे इतनी सिटिंग आपकी नहीं हो पाती है, एक घंटा पढ़ते हो आपको 3 घंटे जैसा लगता था। अब मैं सुबह सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ी थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ। तो ये सीटिंग में थोड़ा टाइम लगता है आपको, एटलीस्ट 4-5 दिन लगते हैं आपको एडजस्ट होने में, तो तभी मुझे ज़्यादा नींद आ रही है और मैं इतना फोकस भी नहीं कर पा रही थी। लाइब्रेरी से आके फिर मैं मार्केट गई कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, जूस वगैरह पिया मैंने, और जूस पीने के बाद मुझे ना गले में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, और ये मुझे ना हमेशा से है, जब भी मुझे गले में दर्द होता है तो मुझे उसके बाद फीवर होता ही होता है। हाँ अभी मैं रूम पे वापस आ गई हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है कि एक तो नेट नहीं चल रहा था तो हमारी वीडियो नहीं चल पाई बिल्कुल भी, तो मुझे लगा वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है फिर रूम पे आ जाए, अब मेरे पढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। कि कल रात को मैं ना वाटरमेलन खा के सोई थी तो मुझे गले में दर्द हो गया था, और वो गले में दर्द अब मुझे दोबारा हो गया जूस पीने के बाद से, तो बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फीवर होने वाला है मुझे। मैं बहाने बना रही हूँ ताकि पढ़ना ना पड़े ना नहीं सच में हो रहा है, पता नहीं कैसे हिम्मत से नहीं हो रही बिल्कुल पढ़ने की, अभी तो बहुत पढ़ना है पर चलो मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, मेरे गले में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा जब से मैंने जूस पिया है। बीच में मुझे लगा था ठीक हो गया लेकिन दोबारा दर्द करने लग गया है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे फीवर होने वाला है, और पता है वो हैबिट नहीं है ना इतना पढ़ने की तो इसलिए हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी इतना,
क्योंकि अभी कितना पढ़ा है मैंने, आई थिंक 7 आवर्स पढ़ी हूँ मैं। 7 आवर पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरे दिन रात पढ़ रही हूँ। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो होता है कि नीट के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेली पढ़ते थे, इतना तो हैबिट हो रखी थी 15-15 घंटे पढ़ने की। लेकिन आज जस्ट ये फर्स्ट टाइम है मेरा, तो इसलिए हो नहीं पा रहा। फर्स्ट टाइम तो यार इतनी सीटिंग हो पाती है, इतनी भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ सब कह रही हैं तो कितना पढ़ रही है भाई, कितना पढ़ रही है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। अब मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, सच में मेरी आँखें ही नहीं खुल रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक मुझे अब सो जाना चाहिए। रिग्रेट है कि हाँ चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट सेटिंग में आपका इतना ही हो सकता है। आगे जाके जब मेरे पे पढ़ाई का और प्रेशर होगा तो आई थिंक मैं और ज़्यादा आवर्स इंक्रीज कर पाऊंगी अपने, लेकिन फिलहाल मुझसे नहीं हो पाया। सो मैं सो रही हूँ, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।